Good morning everybody. In the last class we have started the self practice 10A and I have given you to solve this exercise completely. And the few questions that I am going to discuss by today, that I think question number 3 is very easy. You have to just show the sum of the all these angles is equals to 360 degree. तो कैसे आप शो कर सकते हो, बहुत ईजी है. आप ध्यान से देखोगे, इधर से आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है और नीचे से एक ट्रायंगल दिख रहा है. तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी का वैल्यू 180, वैसे एफ एंगल एफ प्लस एंगल ई प्लस एंगल डी का वैल्यू 180. दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे, आराम से आ जाएगा. ठीक है, लाइकवाइज आप ये क्वेश्चन को आराम से आप सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो एक क्वेश्चन में छोड़ देता हूँ. ये क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल के रेशियो 2:3:4 है और आपको सारे एंगल्स का वैल्यू निकालना है. ये बहुत ईजी है. अगर रेशियो 2:3:4 है तो सारे एंगल को x के मल्टीपल पर लो, 2x, 3x और 4x, और सारे को ऐड करोगे तो कितना वैल्यू से इक्वेट करोगे, 180 से. और वहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, और x का वैल्यू जो आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट एंगल, 3 से मल्टीप्लाई करोगे सेकंड एंगल, और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्थ एंगल, लाइकवाइज. अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ग्रुप ऑफ 3 एंगल्स कैनॉट बी फॉर्म द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. अब पूछ रहा है इसमें से कौन से ये तीनों जो सेट दिए हुए हैं, कौन ट्रायंगल फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा. तो हम लोग तो क्लियरली जानते हैं कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है, दैट द वैल्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो जिनमें जिन तीनों को ऐड करने पे वैल्यू अगर 180 अगर आ रहा है, तो यू कैन से दैट इट विल फॉर्म अ ट्रायंगल. और जिसमें नहीं आ रहा है, या तो 180 से ज़्यादा या तो कम आ रहा है, यू कैन से दैट इट विल नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. देखो, अ ट्रायंगल हैज़ 2 इक्वल एंगल्स, ईच ऑफ इज ट्वाइस ऑफ द रिमेनिंग द थर्ड एंगल, फाइंड द एंगल ऑफ द ट्रायंगल. देखो, ये क्वेश्चन नंबर 7 है. मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है. देखो, आपके पास एक ट्रायंगल है. ठीक है, तो मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ. यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है. इस ट्रायंगल का नेम खुद से कर लो, ए बी सी. ठीक है, आप क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, ए ट्रायंगल हैज़ 2 इक्वल एंगल्स ऑफ विच इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द रिमेनिंग थर्ड एंगल. देखो, इसमें से क्या बोल रहा है कि इसमें से एक ट्रायंगल जिसमें दो एंगल आपस में इक्वल है, सपोज करो कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे अगर गिवन देखेंगे, गिवन, तो गिवन में क्या है कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है. एंगल बी और एंगल सी क्या है, आपस में इक्वल है. और इसके बारे में क्या दिया हुआ है कि ये जो एंगल है, जो थर्ड एंगल जो बच रहा है, इसका ट्वाइस है. तो अगर ये वाला जो एंगल है इसको हम लोग एक्स मानते हैं, तो लिखेंगे लेट एंगल ए इज इक्वल्स टू एक्स. एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे ए टी क्यू. ए टी क्यू का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का ये शॉर्टकट होता है ए टी क्यू. तो क्या बोल रहे हैं कि बी जो है वो इसका ट्वाइस है, तो एंगल बी का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 2x, और सी जो है वो बी के इक्वल है, तो इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, इक्वल टू एंगल सी भी लिख सकते हो, क्योंकि बी और सी तो आपस में इक्वल है. ठीक है, तो अब देखो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2x और ये भी हो गया 2x. तो एक एंगल के जो तीनों एंगल के सम होते हैं कितना होते हैं, 180. तो इसका मतलब x प्लस 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ पे आप ऐड करोगे 2 और 2 4 और एक 5, तो 5x इक्वल टू 180 डिग्री. तो x का वैल्यू आ जाएगा 180 बाई 5. तो 5 से कट करोगे तो 5 3 या 15 16 17 80 3 बचा 6, 36. तो x का वैल्यू कितना आया, 36. तो इसका मतलब एंगल ए का, देयर फोर आप बोल सकते हो, यहाँ पे लिखो देयर फोर एंगल जो ए है, एंगल ए है, एंगल ए का वैल्यू x था जिसका वैल्यू हमने 36 लाया. एंगल जो b था वो 2x था, तो 2 × 36 करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 6 × 12 का 2 कैरी 1, 3 × 6 और 7 72. और एंगल b और एंगल c तो इक्वल था, तो एंगल c का वैल्यू भी आप 72 डिग्री आप लिख सकते हो. ठीक है, ये तो ये आपका था सेल्फ प्रैक्टिस 10A का लास्ट क्वेश्चन 7. ओके, अब मैं एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, एक्सटीरियर एंगल. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. व्हाट इज द एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल. देखो, हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सटीरियर एंगल. अब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे. ठीक है, देखो, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है. कोई भी अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, सपोज करो कि यहाँ पे आपको मैंने एक ट्रायंगल दे दिया, तो यहाँ पे ए बी सी आपके पास एक ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल का कोई भी साइड को एक्सटेंड कर देते हो, जैसे ये बी सी है, इसको मैं एक्सटेंड करके ले गया डी तक, तो यहाँ पे ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है बाहर में जो बन रहा है, एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, बाहर में, तो यही एंगल आपके लिए क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल. ठीक है,
या अगर आपके पास कोई एक दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है, अगर आप इस ट्रायंगल को अगर इधर से आप बढ़ाओगे तो ये भी बाहर बन रहा है, तो ये भी आपके लिए क्या हो गया, ये भी आपके लिए हो गया एक्सटीरियर एंगल। या फिर अगर आपके पास कोई अगर एक ऐसा ट्रायंगल है, अगर एक ऐसा ट्रायंगल है, अगर आप इसको अगर इधर से ऐसे बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पे एंगल जो बन रहा है बाहर में, मतलब किसी भी एक साइड को स्ट्रेट बढ़ाना है, स्ट्रेट, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है क्या कि कोई भी एक ट्रायंगल में अगर किसी भी एक साइड को एक्सटेंड करते हो तो बाहर में जो एंगल फॉर्म करता है दैट इज ओनली कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल। तो इस एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होता है वो हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखो कि कोई भी अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, कोई भी एक ट्रायंगल है, और अगर मान लो कि ट्रायंगल के तीनों एंगल कितना होता है, वन, मान लो कि ये टू और ये थ्री, मान लो इस एंगल के वैल्यू 1, 2, 3 है और बाहर में जो एंगल फॉर्म कर रहा है दिस इज़ द 4, तो रिलेशन क्या होता है कि एंगल जो 4 जो एक्सटीरियर एंगल जो बन रहा है वो उसके पीछे का एंगल क्या है, 3, इसको आप छोड़ दो और बाकी के जो दो एंगल बने इनको आप ऐड कर दो, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होगा इट विल बी इक्वल्स टू एंगल 4। यही होता है एक्सटीरियर एंगल का रिलेशनशिप, ठीक है। इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं प्रूफ करने के लिए कि प्रूव द एक्सटीरियर एंगल, इसको हम लोग थ्योरम भी बोलते हैं। देखो आपके बुक में यहाँ लिखा होगा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, तो इसको आप एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी लिख सकते हो। थ्योरम, थ्योरम का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो दी हुई है उसको आपको प्रूफ करना है, दैट इज़ ओनली कॉल्ड द थ्योरम। तो किसी भी एक ट्रायंगल में दो एंगल, मतलब जो बाहर का एंगल बन रहा है एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, है ना, ये होता है। तो अगर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी द एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। यहाँ पे देखो लिखा होगा स्टेटमेंट, आप स्टेटमेंट लिख लेना बुक से देख करके। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इसको आप लिख लोगे, मैं इसका प्रूफ बता देता हूँ, ठीक है। देखो कैसे प्रूफ करेंगे, इसका प्रूफ प्रूफ कैसे करेंगे, देखो मान लो कि यहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, सपोज करो दिस इज ट्रायंगल ए बी और सी, ये ट्रायंगल ए बी सी है और इसमें एंगल यहाँ पे 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है, 3 है। तो अगर मैं इस साइड को एक्सटेंड कर रहा हूँ दिस इज़ द एंगल 4, तो मेरे को ये क्या करना है, टू प्रूफ, यही प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा। नाउ देखो वी नो फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आता है ना, एक ट्रायंगल के जो तीनों एंगल के सम होते हैं दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये भी हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल कितना फॉर्म करता है, 180 डिग्री, है ना। और अगर ऐसे करके कोई एक लाइन डिवाइड करता है, तो कोई भी दो एंगल में अगर एक लाइन अगर कॉमन है और दोनों एंगल का सम अगर इक्वल होता है, क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। तो इसका मतलब ये जो बी सी है इसको डी तक एक्सपैंड किए तो स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब 3 और 4 का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 होगा। तो फ्रॉम लीनियर पेयर हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल जो 4 है दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखा जाए तो इक्वेशन 1 और 2 में जो राइट हैंड साइड है दोनों 180 है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 अगर 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल जो 3 है दैट इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो एंगल 3 दोनों में कैंसिल हो चुका है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये देखो हमने इसको प्रूफ कर दिया, है ना। तो ये इसका प्रूफ था। तो अगर मैं आपको कुछ यहाँ पे जस्ट अभी एक डायग्राम के साथ बताता हूँ, देखो जैसे मान के चलो कि मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया, ठीक है, यहाँ पे इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3 दिया, ठीक है। इसको हम आगे एक्सटेंड कर दिए, यहाँ पे बना दिया एंगल 4, चलो इसको इधर एक्सटेंड कर दिए, इसको बना दिया एंगल 5, चलो इसको इधर एक्सटेंड कर दिए, इसको बना दिया एंगल 6, ठीक है ना। तो अगर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को अगर आप समझ गए हो तो एकदम आराम से आप बता सकते हो। अगर मैं पूछूंगा कि एंगल 6 जो है वो किसके इक्वल है, तो एंगल 6 के जो पीछे का पार्ट है उसको छोड़ दो, बाकी कौन कौन बचा, 1 और 3, मतलब ये एंगल 1 प्लस एंगल 3 के इक्विवेलेंट होगा।
अगर मैं एंगल 5 के बारे में बात करूँगा तो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके जस्ट पीछे का पार्ट 3 को छोड़ देना है, 1 और 2 को ऐड कर देना है, मतलब एंगल 1 प्लस 2 के बराबर होगा किसका वैल्यू, 5 का वैल्यू। वैसे अगर 4 के बारे में बात करूँगा तो एंगल जो 4 है तो 4 के पीछे 1 है, 1 को छोड़ दो, 2 और 3 को ऐड करोगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। ओके।